चलिए अभी दादाजी से और पूछताछ करेंगे दोस्तों, और आप लोग को बताएंगे कि यहाँ दादाजी कैसे रहते हैं। सो एकदम पूरा घने जंगलों के बीच में, देखिए दादाजी कितना बूढ़ा हो गए हैं फिर भी एकदम पूरा जंगल में अकेले रहते हैं। देखिए यही है दादाजी का ये झोपड़ी दोस्तों, और ये मचान, और यही है खेती बाड़ी। तो दादाजी यहीं पर दिन गुजारा काटते हैं किसी तरह करके का। देखिए अभी पूरा मजा ले रहे हैं जंगली कुआं का। पूरा जंगल के बीच में दादाजी अकेले हैं। डर नहीं लगता है हाथी उदी का? नहीं लगता। नहीं लगता है? नहीं लगता। एकदम पूरा हाथी हो गए हैं का, आदत हो गया है? आदत हो गया, लेकिन हाथी व्यवहार। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी शाम का 4 बज रहा है और घर में पूरा दतुन खत्म हो गया है दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों जंगल तरफ दतुन तोड़ने के लिए, और आप लोग को जंगल का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी जंगल की ओर निकलते हैं दतुन तोड़ने के लिए, और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग को एकदम पूरा जंगल का नज़ारा दिखाएंगे। हम जंगल साइड आ गए दोस्तों। देखिए अभी जंगल के बीच में रास्ता बना हुआ है, तो अभी इसी रास्ता से होकर के जा रहे हैं। तो चलिए अभी आप लोग को नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए एकदम खेत सब पूरा छोटा छोटा दिख रहा है, और बारिश का सीज़न आ गया है ना, तो एकदम पूरा जंगल भी हरियाली हो गया है, देख सकते हैं एकदम पूरा हरा भरा। देखिए काफ़ी मस्त है। तो चलिए अभी हमको और ऊपर जाना पड़ेगा, तब दातुन मिलेगा दोस्तों। चलिए अभी और आगे जाते हैं जंगल। और दोस्तों अभी हम पूरा घना जंगल पहुंच गए हैं, देख सकते हैं पूरा जंगल के बीच में आ गए हैं, और हमको काफ़ी जोर से प्यास लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं, जंगल के बीच में एक ठो कुआं है, तो अभी वही कुआं जाते हैं। और काफ़ी डर भी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आज हम जंगल अकेले आए हुए हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं आया हुआ है, आज हम अकेले आए हुए हैं। तो चलिए अभी जल्दी से कुआं पहुंचते हैं। देखिए पूरा डेंजर रास्ता है, हाथी वाला एकदम पूरा इलाका है, एकदम पूरा थक गए दोस्तों। तो चलिए अभी थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, और अभी जल्दी से पानी पीते हैं कुआं पहुंच के। अभी हम कुआं के पास पहुंच गए, और कुआं के सामने देख सकते हैं एकदम पुराना पुराना मचान है दोस्तों, जिसके ऊपर पुआल रखा जाता है। हम लोग गांव में तो खूटा गाड़ के रखते हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ के ऊपर में ही रखा जाता है, देख सकते हैं। इधर खेत है, तो इसी खेत में हम लोग फसल उसल उपजाते हैं धान उनका, तो ऐसा ही मचान बना करके और जंगल में रखते हैं। ये हम लोग का नहीं है, हम लोग का चाचा का है, तो चाचा यहीं पर बनाते हैं दोस्तों मचान पेड़ में, और पुआल रखते हैं बैल सबको खिलाने के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं, और देखिए यहाँ पर काफ़ी मस्त छोटा सा झोपड़ी बना हुआ है। ये झोपड़ी में दोस्तों एकदम पूरा ठंडा, गर्मी और बरसात चाहे जो भी मौसम रहे यहीं पर आराम करते हैं चाचा इन लोग। देखिए इधर खेती लगाए हुए हैं, देखिए बारी है छोटा सा, तो यहीं पर खेती लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। ननुआ का लर है दोस्तों, ननुआ यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर पूरा बाउंड्री किया हुआ है, देसी बाउंड्री, एकदम पूरा कांटेदार बाउंड्री किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नींबू है ना, तो बैल उल चराने आते हैं तो लोग तोड़ देते हैं, और जंगली जानवर भी बर्बाद कर देते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए यहाँ पर दे दिए हैं दोस्तों ये देसी बाउंड्री, देख सकते हैं एकदम पूरा नींबू के चारों ओर। और देखिए कुआं को नए बाउंड्री किए हुए हैं, क्योंकि कुआं में सभी बैल चराने वाले लोग आते हैं पानी पीने के लिए, और देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा कुआं है, और यहाँ पर पीने के लिए बाल्टी भी रख दिए हैं चाचा, देख सकते हैं एकदम छोटा सा है। देखिए एकदम मोटरसाइकिल का टायर होता है उतना छोटा है, देख सकते हैं ऐसा करके एकदम पूरा पहुँच जाते हैं दोस्तों। देखिए एकदम दोनों तरफ टांग फैला दिए, कुआं एकदम पूरा बीच में हो गया, इतना छोटा कुआं है लेकिन इसका गहराई बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए अभी पानी खींचते हैं और पी लेते हैं दोस्तों सबसे पहले पानी, उसके बाद चलेंगे दातुन तोड़ने के लिए, और यहाँ से जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा है।
चलिए अभी उठाते हैं पानी। देखिए देखिए हाथ में उठा रहे हैं क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं। देखिए पानी उठा लिए, अब चलिए पीते हैं। पानी बहुत ही ठंडा है दोस्तों, क्योंकि एकदम पूरा चारों तरफ पेड़ पौधा है और जंगल के बीच में कुआं है, इसीलिए एकदम पूरा फ्रिज का जैसा लगता है पानी पीने में। तो चलिए अभी झट से पीते हैं। हम अच्छे से पानी पी लिए दोस्तों और धो भी लिए, अब चलिए चलते हैं दातुन तोड़ने के लिए। बहुत ही मज़ा आ गया दोस्तों जंगली कुआं का पानी पी करके, दिल को एकदम पूरा ठंडक मिल गया। और देखिए इधर दादाजी भी आए हुए हैं, आज अंकल नहीं आए हुए हैं, दादाजी भी आए हुए हैं यहाँ पर खेती को देखने के लिए का। और देखिए हाथ में ये क्या चीज़ का कंधा है, ये आरू कंधा देख सकते हैं, आरू का कंधा है दोस्तों जो रोपेगा, रोपना है का। हाँ देखिए खाने में बहुत ही मज़ा आता है का, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। देखिए दादाजी अभी आरू का कंधा फोड़े हुए हैं। किधर था, उधर जंगली वाला है कि घरेलू वाला, घर वाला, घर वाला, ओ तो इधर बारी में लगाए थे का। हाँ देखिए, और अभी आप यहाँ पर अकेले हैं देख सकते हैं, पूरा जंगल के बीच में दादाजी अकेले हैं। डर नहीं लगता है हाथी उदी का, नहीं लगता, नहीं लगता है, नहीं लगता, एकदम पूरा अथी हो गए हैं का, आदत हो गया है, आदत हो गया। लेकिन हाथी अवतार ये जंगली का सुअर है नहीं, हाँ जंगली का सुअर और मोर उर, एकदम पूरा जंगली जानवर जितना भी होता है, फसल उसल बर्बाद नहीं हुआ है, मतलब कि नहीं खाए दिला थोन, कैसे नहीं खाए जाए तुम, तो खाए देवा थोन तो अबे तो नहीं खाए जाता। ओ दादाजी अभी अपना भाषा में बोल रहे हैं दोस्तों, जो झारखंडी होंगे वही समझते होंगे दादाजी का भाषा का, और दूसरे राज्य का होंगे तो नहीं समझते होंगे दोस्तों। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो कौन कौन देश से देख रहे हैं, कौन कौन राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, हम भी जानेंगे कि वहाँ वहाँ के लोग हमको देख रहे हैं का। हाँ बस ठीक। तो अभी कब जाना है घर, अभी तो जाएंगे, अभी जाना है। हाँ। तो पानी पीने जा रहे हैं। हाँ। तो साथ में चलेंगे, हम भी जाते हैं आपके साथ पीछे पीछे। चलिए अभी दादाजी से और पूछताछ करेंगे दोस्तों, और आप लोग को बताएंगे कि यहाँ दादाजी कैसे रहते हैं, सो एकदम पूरा घने जंगलों के बीच में एकदम। देखिए बैलून लाए हैं चराने के लिए, ऐसे ही ओ, और यहाँ पर कितना निकलता है नेनुआ जो फसल लगाए हैं, ये फसल वा नहीं निकलता है, नहीं नहीं निकलता है, लेकिन पूरा घास हो गया का। हाँ पूरा घास हो गया। देखिए दादाजी थोड़ा अकेले हो जाते हैं, चाचा भी हैं लेकिन वो थोड़ा बस्ती में रहते हैं तो उधर का काम संभालते हैं, तो दादाजी यहाँ पर के काम नहीं कर पाते हैं का। पानी ठंडा है ना, बहुत ठंडा है ना, पूरा ठंडा का, पी में मज़ा आता नहीं। हाँ देखिए अभी पूरा मज़ा ले रहे हैं जंगली कुआं का। और हाथी उथी इधर डेली आता है का, डेली तो नहीं आता है, ओ मतलब छोड़ छोड़ के, छोड़ छोड़ के। और इस समय धान नहीं लगाना है अभी, अभी कहाँ लगाना है, बीहन किए हैं बीहन, नहीं तो वो हल उल जोते हैं बीहन करने के लिए, लेकिन हाँ। सीजन आएगा तो लगाएंगे का, लगाएंगे। लेकिन जंगली जानवर से तो नहीं बचता होगा का, सब खत्म हो जाता होगा, लेकिन जो भी बचता है उसी को घर। हाँ देखिए दादाजी कितना बुढ़ा हो गए हैं, फिर भी एकदम पूरा जंगल में अकेले रहते हैं। और ये जो खेती है दोस्तों, चलिए अभी आप लोग को दिखाते हैं सामने से। देखिए यहाँ जो खेती किए हुए हैं इन्हीं का रखवाली करते हैं। उधर कहाँ था, उधर किना लगा ले रहे हैं, बिलाते रहे टमाटर, बिलाते। हाँ उधर बिलाती लगाए थे दोस्तों, हम लोग बिलाती बोलते हैं गांव देहात में, जिसको हाँ। हिंदी में टमाटर कहा जाता है। तो उधर टमाटर लगाए हुए थे तो टमाटर ख़त्म हो गया। देखिए उधर लगाए हुए थे, मेहनत नहीं करने सके तो सारा मेहनत बेकार चल गया, बस सब्जी के लिए निकलता था लेकिन बेचने के लिए नहीं निकलता था। और इधर लगाए हुए हैं तो इधर भी वही हाल है, पूरा घास हो गया है। तो चल घर नहीं जब टेकी रहे, देखिए ये है दोस्तों देसी दरवाजा, देख सकते हैं गेट, गेट है ले गेट लगो ने वन जगल कर गेट। और बल्टिया यहाँ रहते, बल्टिया देखिए बाल्टी को यहीं पर रहने देंगे। तो चलिए अभी
दादाजी के साथ में अभी चलते हैं और उधर आगे तरफ जाके दातुन तोड़ लेंगे। चलिए, वो झोलवा में का लाए थे खाना? हाँ देखिए दादाजी खाना लेकर के आते हैं, देखिए झोली में रखे हुए हैं, तो अभी झोली को लेकर के जाएंगे। और देखिए ये दाव रखे हुए हैं, दाव साथ में ले चलते हैं का? हाँ। तो चलिए अभी दादाजी के साथ निकलते हैं क्योंकि शाम हो गया है, तो जंगली जानवर का डर रहता है, हाथी उथी का। हाँ हाथी उथी निकलेगा। देखिए यही है दादाजी का ये झोपड़ी दोस्तों, और ये मचान, और यही है खेती बाड़ी। तो दादाजी यहीं पर दिन गुजारा काटते हैं किसी तरह करके का। तो चलिए अभी चलते हैं क्योंकि शाम हो गया है ना, तो हाथी उठी आने का डर रहता है। डर रहता है हमको, अभी डर लग रहा था लेकिन आपको देखे ना इसलिए नहीं डर लगने लगा। हमसे अभी डर लग रहे हैं हमसे, कोई लोग औलाद की नहीं औलाद, घंटी मंटी सुने छगरी के तो हम एक दूर से लोग बोला रहा था। हाँ छागर को क्या है, बैल बकरी चराने के लिए आए हुए हैं, और कभी कभी हम अपना भाषा यूज करते हैं दोस्तों। आप लोग झारखंडी होंगे तो समझ ही जाते होंगे, और दूसरा राज्य से होंगे, दूसरा देश से, तो थोड़ा दिक्कत होता होगा, लेकिन हिंदी तो आप लोग को एकदम पूरा समझ में आ जाता होगा का। और दोस्तों अभी ये रास्ता समझा रहे हैं, इधर दातुन मिलता है और दादाजी उधर से जा रहे हैं। ठीक से जाएगा? हाँ देखिए अभी दादाजी अकेले उधर से जा रहे हैं, तो चलिए हम भी इधर से अकेले जाते हैं। दादाजी वहाँ पर खेत में थे इसलिए थोड़ा वहाँ पर हिम्मत हुआ, नहीं तो अभी डर डर के, और अभी जल्दी जल्दी पानी पी करके आ जाते हैं। और अभी हम पहुँच चुके हैं दातुन वाला जंगल, जहाँ पर सखुआ का दातुन काफ़ी मस्त मस्त मिलता है दोस्तों, और हम पूरा थक गए। तो चलिए अभी जल्दी से दातुन तोड़ते हैं, उसके बाद घर की ओर निकलेंगे। देखिए यही सब है सखुआ का पत्ता, देख सकते हैं काफ़ी मस्त एकदम पूरा हरा भरा जंगल हो गया है। देखिए देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है, देख सकते हैं सखुआ पत्ता का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। तो चलिए अभी सखुआ का दातुन तोड़ते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे, पीछे में उतना नहीं है। चलिए यही सब में अभी ढूंढते हैं, जल्दी से मिल ही नहीं रहा, पूरा गांव का लोग यहीं पर आते हैं दातुन तोड़ने के लिए, इसीलिए उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। और जानते करते हैं दोस्तों सखुआ का दातुन कितना लाभदायक होता है, इसलिए अधिकतर सखुआ का दातुन ही लोग करते हैं। देखिए सखुआ का दातुन, तो चलिए अभी इसी तरह से फटाफट तोड़ते हैं। देखिए इधर रखते जाएंगे नीचे तरफ, फटाफट तोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे नहीं तो सूख जाता है ज़्यादा तोड़ने से। चलिए ख़त्म होगा तो फिर आएंगे तोड़ने के लिए, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। देखिए हम दातुन तोड़ लिए दोस्तों, देख सकते हैं इतना सा, देखिए इसमें एक सप्ताह हो जाएगा, और एक सप्ताह के बाद फिर आएंगे दातुन तोड़ने के लिए, ज़्यादा ले जाएंगे तो सूख जाएगा, इसलिए सप्ताह भर के लिए ले जाते हैं। तो चलिए अभी जल्दी से चलते हैं घर, नहीं तो शाम हो जाएगा। हम घर आ गए दोस्तों, और हल्की हल्की बारिश होने शुरू हो गई। तो चलिए दोस्तों आज के छोटा सा वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।